आज बहुत टाइम बाद आज बहुत टाइम बाद में भानु भैया का अभी से कॉल आने लग गया मेरे को। कहते चेन्नई को जो सपोर्ट कर रहा है वो तो सो जाओ। अरे बताया था कि आज से व्लॉग जाएंगे 12 बजे। अरे भाई आ जाना, अभी टाइम हो रहा है 10:10, फटाफट से एडिट करते हैं, अपलोड पे लगाते हैं। वाईफाई बढ़िया चल रहा है तो टाइमली अपना अपलोड भी हो जाएगा। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। 8 मिनट वीडियो लेट हो गया क्योंकि एक कॉपीराइट क्लेम आ गया था इस गाने का। ये गाना मैं हटा के दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरे ख्याल से मैं सेकंड टाइम बोल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है, बट अभी अभी मेरा व्लॉग अपलोड हुआ है यार। उसमें एक कॉपीराइट क्लेम आ गया था कल वाले व्लॉग में, तो वो फिर मैंने दोबारा से एडिट करा गाना को हटा के, और फाइनली 12:30 बजे जा चुका है। अभी तो ऐसा है कि प्रशांत आमिर दोनों के दोनों सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और शाम का प्लान है नैनीताल निकलने का। आज इन दोनों का बर्थडे तो नैनीताल में सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा कुछ प्लान है फिलहाल। लेट्स सी हाउ इट गोज। तो भाई मैं आ रखा हूँ पंडित जी फास्ट फूड जी के कॉर्नर पे, क्योंकि जो अपना रिजॉर्ट में बुफे था ब्रेकफास्ट के लिए वो सुबह 8:30 से 9:30 ही था, तो और उस टाइम मैं एडिटिंग कर रहा था तो थोड़ी सी भूख लगी है, तो कल रात को डिनर भी नहीं हो पाया था और अभी थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ के छोले कुलचे ट्राई कर लिए जाए। तो देखो भाई ये आ चुके हैं छोले। पर अगेन अपने साथ वही दिक्कत हुई, मैं रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया जब पूरा का पूरा शूट कर दिया उसके बाद मैंने देखा अब यार रिकॉर्ड तो दबाया नहीं था। तो भाई अपने छोले आ चुके हैं, ये रहे छोले, ये रहे कुलचे भाई, बेहतरीन तरह से सेक रखे अंकल जी ने। साथ में है मिर्च का अचार, थोड़े से प्याज। लेट्स सी कैसे हो रहे हैं, मतलब मेरे को तो पता है बढ़िया हो रहे हैं, बट स्टिल आपको भी दिखा देता हूँ, बेहतरीन। क्योंकि मेरे को पता है मैं कल अपने ब्लॉग में बोला था बाहर का कम करूँगा खाना, बट भाई यहाँ गर्मी बहुत है और ऐसी गर्मी में मेरा सर दर्द पकड़ता है खाली पेट, तो इसलिए पेट पूजा जरूरी थी। मोर ओवर रात को डिनर भी नहीं हो पाया था। वाह, और ये मिर्च का अचार है जो अंकल जी बता रहे रोज बनाते हैं घर में 1/2 किलो। साथ में ये देखो भाई फ्रेश लाइम सोडा, खतरनाक चिल्ड, बेहतरीन। लोकेशन अपनी कुछ ऐसी है जंगल के किनारे बैठ के खा रहे हैं भाई अपना बढ़िया ब्रेकफास्ट। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बेहतरीन हो रहा भाई। आपका पैतृक घर रामनगरी कह रहा जाएगा। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है, आसवाल ठाकुर होते हैं। हाँ जी हाँ ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। चलो भाई अच्छी पेट पूजा हो गई, अंकल जी से मिलना भी हो गया। अपना ये रामनगर ना कुमाऊं एरिया में आता है, तो यहाँ के लोगों की ना भाषा से पता चल जाता है कि कुमाऊं नहीं है, बहुत ही ज्यादा प्यारी और बहुत ही मीठी बोली होती है यहाँ के लोगों की। मतलब वो जो एक्सेंट निकलता है ना इनका भाई, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को भी बोलना है। कभी आप रामनगर नैनीताल साइड आओगे तो लोकलाइट से बात करके देखना, इतना प्यारा लहजा है ना इनके बात करने का, मजा आ जाता है यहाँ के लोगों से बात करके। और आपने वो शाहिद कपूर की मीटर बिजली कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड मूवी आई थी उनकी, वो आपने देखी होगी, तो उसमें ठहरा ठहरा बहुत बोल रहे हैं। एक्चुअली ठहरा शब्द कुमाऊं साइड का है, जैसे कहाँ को जाने वाला है ठहरा, तो यहाँ के लोग ठहरा शब्द यूज करते हैं, मतलब इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जितना मूवी में दिखा रखा था, बट हाँ वो शब्द यहाँ का है, गढ़वाल का नहीं है, और वो मूवी गढ़वाल साइड की दिखा रखी थी। तो ये काफी मेजर गलती थी उन लोगों की, जो भी उनका लाइन प्रोड्यूसर रहा होगा, मतलब जो लोकेशन डिसाइड करता है कि शूट कहाँ होगा, वो डेफिनेटली इसी साइड का रहा होगा, तो उसको ये चीज बतानी चाहिए थी कि भाई ये ठहरा शब्द आपका कुमाऊं साइड में यूज होता है और हम जहाँ शूट कर रहे हैं वो गढ़वाल साइड है। बट एनीवे कभी आओगे तो लोकल लाइट से बात करके देखना, आपको मजा आ जाएगा। आज बहुत टाइम बाद आज बहुत टाइम बाद में मैनुअल गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी किसी और की जिसका कुछ आइडिया नहीं है मुझे, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक टू यू। तो भाई 4:30 हो चुका है, अभी भी 6 किलोमीटर दूर है, 19 मिनट दिखा रहा है पता नहीं क्यों। बाय द वे यहाँ चेकिंग हो रही है और आज पहली बार देख रहा हूँ मैं
इस रास्ते में चेकिंग हो रही है, पता नहीं किस चीज की हो रही है। तो यार वो चेकिंग नहीं हो रही थी, वहाँ गाड़ी को रोक रहे थे, पूछ रहे थे कि होटल है तो कौन सा होटल है, क्योंकि नैनीताल के अंदर भाई पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है। तो यहाँ वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर कोई होटल बुक नहीं है तो आप यहीं गाड़ी खड़ी करो और यहाँ से टैक्सी करो, टैक्सी वहीं से मिल रही थी। यहाँ एक जगह भी रुके हैं, डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि टाइम यार बहुत ज़्यादा हो चुका है, 4:30 हो चुका है, डेढ़ घंटा में वापसी जाने में भी लगेगा, मेरे ख्याल से आज का ड्रॉप करना पड़ेगा। यार और तो कुछ नहीं, टाइम वेस्ट हो गया, अच्छा खासा पूल में नहाते, एक डेढ़ घंटा पूल में बैठे रहते, उसके बाद क्रिकेट खेलते, वो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो गया सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग में, और वो ट्रैवलिंग भी इतना ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है आमिर के लिए और शिवानी के लिए, क्योंकि दोनों डिजी फील कर रहे हैं, इसलिए तो तबीयत खराब हो गई, मन ही मर गया इसका पहाड़ आने का। कह रहा मेरा मन था फैमिली के साथ नैनीताल आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। ये आ चुका है अपना बन मक्खन और मैगी, भाई बन मक्खन की शक्ल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रही है। आ हा हा हा, कैसा हो रहा है? बन मक्खन का मजा ना तभी आता जब ऐसा मक्खन दिख रहा हो, जब बन के अंदर मक्खन पिघल जाता है ना, उतना मजा नहीं आता। शक्ल देखो अंदर से, ओ हो 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 हो, अच्छा खाना देख के मेरी तबीयत खुश हो जाती है। ये दो पब्लिक को ऑफेंड कर रहा है, एक तो मैगी वाली को और एक बन मक्खन वाली को। गजब मजे आ जाएंगे, ट्राई करके देख लेते, थोड़ा बटर ओवर पावर है तो मैगी का। अच्छा भाई जरा ट्राई करके देख लेते हैं, बेहतरीन हो रहा है, दोनों चीजों का इंडिविजुअली टेस्ट भी आ रहा है, बट एक ऐसा बोल लो कि अमैलगमेशन ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। तो यार देखो बन मक्खन और मैगी में तो मजा आ गया, बट वही है कि टाइम वेस्ट सा हो गया, और कोई बात नहीं है, थकान अलग हो गई। एनीवे अब निकल रहे हैं भाई वापसी, जो सफरनामा सीरीज है ना ये मेरी लाइफ की स्टोरी नहीं है, ये एक फिक्शन स्टोरी है जो इसके दिमाग की खुफत है। तो प्लीज़ बहुत लोगों को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ की स्टोरी है, ऐसा नहीं है भाई बिल्कुल भी ना, थोड़ा आसपास भी नहीं है। क्योंकि मेरे एक वीडियो में ना किसी ने कमेंट कर रखा है, लास्ट वीडियो में शायद से, कि अक्की भाई से सीखना चाहिए, अक्की भाई 3 साल तक वीडियोस डालते रहे जब इनके 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, 3 साल तक इनके 10,000 से नीचे सब्सक्राइबर थे बट फिर भी डालते रहे, इनसे सीखना चाहिए। भाई थैंक यू सो मच मेरे को इतना वो मानने के लिए, बट इतना टाइम नहीं लगा था, सिर्फ डायलॉग था। हाँ वो एक सीरीज का डायलॉग था, वो मेरी लाइफ से उसका कोई रिलेशन नहीं है भाई, मेरे पढ़ लिया करो यार। हाँ स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे भी रखा है उसमें, इस सीरीज की सारी बातें काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो कृपया इसको एक सीरीज की तरह ही देखें, मेरी लाइफ से रिलेट ना करें भाई। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं और डीओपी साहब भी आ चुके हैं, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। मेकअप आर्टिस्ट भी आई हैं, मन्नत। नहीं तो आपको मेकअप ही नहीं होगा, वो मैं वैसे भी नहीं करवाता हूं। हां जी प्रोड्यूसर साहब, कुछ कंप्लेन है? बस आ रहा हूँ, 6 ओवर में 52 बनेंगे, तो चाहिए था वही हुआ, CSK चेज कर रही है और CSK के चेज वाले मैच ही देखने में मजा आता भाई, 2 करोड़ लाइव देख रहे हैं भाई इस मैच को भी, अभी से धोनी के आने पे तो फिर बवाल हो जाना है आज। होता है देन का बॉस इनको बोलता है कि चला के मेरे रूम में चल दारू वारू पीते हैं। यार कल का कॉल टाइम है अपना 6:30 बजे का, 6:30 बजे का कॉल टाइम है, तो नो मैटर व्हाट मेरे को रात को ही एडिट करना पड़ेगा, रात को ही अपलोड करना पड़ेगा। अभी डिस्कशन चल रहा है, टाइमली तो नहीं, मतलब मैच देख के सोऊंगा 11:30 बजे के अराउंड, उसके बाद एडिट करेंगे अपलोड करेंगे। भानु भैया का अभी से कॉल आने लग गया मेरे को, कहते चेन्नई को जो सपोर्ट कर रहा है वो तो सो जाओ, इतना नहीं चेज हो सकता। मैंने कहा भाई अभी है मैच, ऑल दो बहुत टफ स्कोर है चेज करना, बट स्टिल हम तो होप कर रहे हैं कि भाई चेन्नई जीते। भाई डिवाइन का भी अलग ही रौला चल चुका है, NBA में भाई का गाना, IPL फाइनल में भाई का कॉन्सर्ट टाइप ही समझ लो, ये तो पता नहीं कितनी पब्लिक भाई लाख लोग होंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम रणबीर है एक बीरा है, रणबीर मेरा बेटा है वो 7 साल का है एंड बीरा आई थिंक 9 साल की है। तो इनका रूटीन ये है कि ये सुबह जब उठेगा ना, सुबह उठते ही पहले नहाएगा अपने हाथ से, यहाँ
एंड अपना चॉइस का कपड़ा पहनेगा, उसके बाद से मंदिर में जाएगा, पहले अपना पूजा करेगा, टीका जरूर लगाएगा क्योंकि मैं टीका लगाता हूँ तो मेरा कॉपी किया है तो वो टीका लगाएगा। एंड टीका लगाने के बाद उसके बाद से जाएगा, नाश्ता वास्ता किया, फिर बैग वैग अपना सेट करेगा अपना स्कूल जाने का, फिर मम्मी का पापा, मैं नहीं हूँ लेकिन दादी का बाबा का सबका पैर छुएगा, बेटी भी सेम करके, फिर उसके बाद स्कूल जाएंगे। पता है क्या सीखता है बच्चा, ये सीखता है जो आप कर रहे हो। लो, भाई दो पे दस चाहिए, छक्का, यस छक्का भाई, एक पे चार, एक पे चार हो जाएगी। अरे हाँ भाई हाँ, एक बॉल क्या जा रहा हूँ पूल में भाई, सीएसके जीत गया, लास्ट बॉल पे वो जो चौका है, भले ही महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गए थे लेकिन टीम तो जीत गई, सब जडेजा जिंदा था, चंटू भाई लेगेसी बचा ले गए। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में, हो जहाँ जिक्र तेरा।